हाय एवरीवन, माय नेम इज कुशल उज्जैन। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट माइक्रोसॉफ्ट। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जितना प्यारा बाकी सारे वीडियोस पे देते हो, इस पर थोड़ा और ज़्यादा दिया करो, बिकॉज इससे हेल्प बहुत ज़्यादा होती है सबकी। तो शेयर बटन पे भी क्लिक किया करो, लाइक पे भी किया करो, सब्सक्राइब को रेड और ग्रे जैसा भी उसको दबा दिया करो, ठीक है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज इस वीडियो के अंदर मैं बता रहा हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर आप जो डाउट्स पूछोगे दूसरे प्लेटफॉर्म्स में, मैं सीन करके छोड़ दूंगा आपका मैसेज, ठीक है। और ये मैं थोड़ी मेहनत कर रहा हूँ, अभी रात के कितने बज रहे हैं, अभी रात के 2 बज रहे हैं, ताकि मेरे को अच्छा एनवायरनमेंट मिल सके। मैं इतनी रात को शूट करता हूँ, तो थोड़ी मेहनत मैं कर रहा हूँ, तो थोड़ी मेहनत आप भी कर लो लाइक और शेयर करने की, ठीक है। चलते हैं फटाफट से पहली अपॉर्चुनिटी पे, जो कि है ग्रेजुएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर की एट काउचबेस। इट्स अ स्टार्टअप, अभी हायर कर रहे हैं यार। सी प्लस प्लस गो लैंग्वेज जिसको आती है, सी लैंग्वेज जिसे आती है, उनको सॉफ्टवेयर इंजीनियर की हायरिंग है। आप अगर 2021 बैच से हैं, या 2022 बैच से हैं, या 2023 बैच से हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। बीटेक के स्टूडेंट हैं, एमटेक के स्टूडेंट हैं, या फिर एमई के स्टूडेंट हैं, रिलेटेड ब्रांचेस कंप्यूटर साइंस एंड आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड ब्रांचेस से बिलोंग करते हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। रिलेटेड जो स्किल्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वो डिस्क्रिप्शन पढ़ के अपना रिज्यूम अपडेट करें, रेफरल मांगें, देन ही अप्लाई करें। आज का जो वीडियो है यार, वो उसके अंदर बहुत सारी इंटर्न अपॉर्चुनिटीज़ में शेयर करने वाला हूँ। तो चलते हैं नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी पे, जो कि है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंटर्न। लोकेशन पुणे रहेगी, महाराष्ट्र। अब कंपनी का नाम देख लेते हैं, ईटॉन। बहुत ही अच्छी कंपनी है, इनका स्टाइपेंड भी अच्छा रहता है। मैक्सिमम एजुकेशन आपकी बैचलर्स हुई होनी चाहिए, मतलब जिसके अंदर 2023 वाले भी अलाउड हैं, 2022 वाले भी अलाउड हैं, और 2024 वाले भी अलाउड हैं। 2 मंथ से लेकर 6 मंथ तक की इंटर्नशिप हो सकती है। स्किल्स आपको सामने दे रखे हैं, जाओ यार अप्लाई करो विथ एन अपडेटेड रेज्यूमे, जो कि इससे मैच खाए। चलते हैं हमारी थर्ड अपॉर्चुनिटी भी, जो कि फ्रंट एंड वेब डेवलपर इंटर्न की, रिएक्ट डेवलपर इंटर्न की। रिएक्ट बहुत सारे आप बच्चों को आती होगी, आप सभी में से, तो आप लोग के लिए अपॉर्चुनिटी है। एप्लीकेशन डेडलाइन है 20 मई, ठीक है। रिमोट इंटर्नशिप है, उज्बेकिस्तान की लोकेशन है। फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट, सैलरीज नेगोशिएबल, और एसोसिएट डिग्री आपके पास होनी चाहिए, 0 to 1 year का एक्सपीरियंस। 6 मंथ की इंटर्न भी हो सकती है, और आप 2023 से भी हो सकते हो, 2022 से भी हो सकते हो बैच से। रिलेवेंट स्किल्स इनने मेंशन कर रखे हैं, आपके पास होने चाहिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं। तो मेक श्योर स्किल्स के बेसिस पर रिज्यूमे अपडेट करें। रिज्यूमे अपडेट करने के लिए बहुत सारे वीडियो चैनल पर पड़े हैं, उन्हें देख लेना। टेस्ट कार्ड करके कंपनी का नाम है। चलते हैं नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी पे, जो कि रिवॉल्यूट, बहुत ही अच्छी कंपनी है, बाहर की कंपनी है, और रिमोट पोजीशन के लिए भी हायर कर रही है। एशिया पैसिफिक लोकेशन के लिए हायरिंग चल रही है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की iOS प्लेटफॉर्म के लिए। रिवॉल्यूट इज़ अ पेमेंट सोल्यूशन कंपनी, जो कि स्टार्टअप है और बहुत ग्रो कर रहा है तेज़ी से। इवन मैंने भी यूज़ कर रखा है ये प्रोडक्ट। तो जाओ भरो एप्लीकेशन फॉर्म इनकी, और अगर आपको यूनिवर्सिटी के उसके अंदर अपनी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं दिखता, तो अदर का ऑप्शन भर देना। रिवॉल्यूट इज़ एन अमेजिंग कंपनी। जो बच्चे कॉलेज के अंदर हैं अभी 2023 बैच वाले, वो भर सकते हैं, और प्रीवियस बैचेस वाले भी भर सकते हैं इसके अंदर। चलते हैं नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी पे, जो कि talent.com पे एल्टोइस करके कंपनी स्टार्टअप है, जिसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंटर्न की हायरिंग चल रही है। 6 से 12 मंथ्स की एक्सपीरियंस आपके पास होनी चाहिए, मतलब 2022 वाले जो बच्चे हैं वो सब अप्लाई कर सकते हैं, और आपके पास इंटर्नशिप एक्सपीरियंस है 2023 वाले, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और 2021 वाले भी कर सकते हैं। बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए आपके पास कंप्यूटर साइंस की, एंड रिलेवेंट स्किल्स आप देख सकते हो। वर्क फ्रॉम होम नहीं है, ऑन साइट अपॉर्चुनिटी इन मुंबई। स्टाइपेंड भी अच्छा खासा ही होगा, तो मेक श्योर आप अप्लाई करें, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी फीमेल्स के लिए अपॉर्चुनिटी है, अमेरिकन एक्सप्रेस का मेकेथॉन हो रहा है। बार बार बता चुका हूँ, 2024-2025 बैच की जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, वुमेन ग्रेजुएट्स हैं, उन सब के लिए अपॉर्चुनिटी है। और स्टूडेंट करंटली परस्यूइंग एनी टेक्निकल डिग्री फ्रॉम अ रिकग्नाइजिंग इंजीनियरिंग कॉलेज इन इंडिया। तो यार वुमेन स्टूडेंट कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज से, जो रिकग्नाइज टेक्निकल इंजीनियरिंग कॉलेज से बिलोंग करती हैं, सब एलिजिबल हैं इसके अंदर। इसके थ्रू आपको क्या मिल सकता है, 6 मंथ इंटर्नशिप और इवन अ फुल टाइम जॉब अपॉर्चुनिटी 2024 बैच वालों के लिए, 2025 बैच वालों के लिए 24 वीक्स की इंटर्नशिप और अ समर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। तो यार किस बात का वेट कर रहे हो आप, सबके सब जाओ आप इस पर्टिकुलर कॉन्टेस्ट में अप्लाई करो। अगर मैं टीम की बात करूँ, तो टीम बना के आपको अप्लाई करना पड़ेगा। 1 to 5 लोगों की टीम होगी, और हैकाथॉन प्रोजेक्ट आपको बनाना पड़ेगा। जो पूरा प्रोसेस है उसके बारे में अगर आपको वीडियो चाहिए, तो मेरे को बता देना, पूरा प्रोसेस के बारे में वीडियो बना दूंगा।
POC क्रिएशन होगा, उसके बाद मेंटर के मेंटरशिप होगी, उसके बाद ग्रैंड फिनाले होगा, तो पूरा वीडियो बन जाएगा उसके ऊपर। अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट कंपनी जो हमारी है वो है समर इंटर्न के लिए हायर कर रहे हैं, न्यू दिल्ली लोकेशन रहेगी। यार इन्होंने स्किल्स मेंशन कर रखे हैं कि भाई ये आप क्या सोना चाहिए, जावास्क्रिप्ट, बैक एंड डेवलपमेंट, ऊप्स के कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए, HTML, CSS, डेटाबेसिस, JSON, AWS एंड मेनी मोर स्किल्स, जो कि इन्हें सारे डिस्क्रिप्शन मेंशन कर रखे हैं। BTech में परस्यू कर रहे होने चाहिए आप, ठीक है, या फिर ग्रेजुएट हो गए होने चाहिए। 2023 एंड 2022 बैच आर एलिजिबल फॉर दिस इंटर्नशिप, तो वेट किस बात का करके जाओ, अप्लाई करो। चलते हमारी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी पे, जो कि है डेटा पीस में। यार दे आर हायरिंग फॉर बैक एंड एज वेल एज फ्रंट एंड इंजीनियर। अगर आप फ्रेशर हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, इसके अंदर एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सर स्मॉल स्टार्टअप, आज मैंने मोस्टली स्टार्टअप्स ही कवर करें इस वीडियो के अंदर। तो कोई भी डाउट आता है आपको कि भैया यार अभी कॉलेज में स्टार्टअप में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, या जॉब ज्वाइन कर ली है सर्विस बेस से स्टार्टअप में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, तो मेक श्योर आप सारे क्वेश्चंस पूछ लें। एक फ्रेंड, नॉट अ फ्रेंड बट एक ट्विटर पे किसी ने डाला था कि JPMC इज़ हायरिंग, उनका जो 2023 को हायर करने का प्रोग्राम है वो शुरू हो गया है फॉर देयर ओवरसीज लोकेशन ग्लासगो, लंदन एंड बॉर्नमाउथ के लिए। आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दिस वर्ड, फरवरी स्टार्ट। तो भाई ऐसा है, 2023 बैच में जो ग्रेजुएट हो रहे हैं बच्चे वो सबके लिए प्रोग्राम है और वो सब अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। जैसे कि इन्हें लिख रखा है 2023 में ग्रेजुएट कर रहे होने चाहिए, आप 2024 में आप अवेलेबल होने चाहिए टू स्टार्ट अ फुल टाइम अपॉर्चुनिटी। तो अगर ये सीन आपके साथ है तो मेक श्योर आप इसके अंदर अप्लाई करें। और जो JPMC है बहुत अच्छा पे करती है ग्लासगो लोकेशन के लिए। इसका इंटरव्यू एक्सपीरियंस लाइव किया था मैंने एक फ्रेंड के साथ, वो ग्लासगो में इंटर्न किया था, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी इज़ वेलोशियो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हायरिंग हो रही है, 0 to 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इसके अंदर बोला है। तो जितने भी, और रिमोट अपॉर्चुनिटी है, पुणे एंड रिमोट। तो एंट्री लेवल फ्रेशर मतलब 2023 बैच, 2022 बैच, 2021 बैच सब इसके अंदर एलिजिबल हैं, सब अप्लाई कर सकते हैं। तो वेट मत करो, जाओ फटाफट अप्लाई करो। लास्ट अपॉर्चुनिटी इज़ फॉर डिप्लोमा स्टूडेंट, जितने भी बच्चे डिप्लोमा कोर्सेज कर रहे हैं, आपके कोई फ्रेंड है तो उनके साथ ज़रूर शेयर करना। उनके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है टू कन्वर्ट देयर डिप्लोमा इनटू अ बीटेक डिग्री, और सारी डिटेल्स आपको इस प्रोग्राम की मिल जाएंगी। 2021, 2022 एंड 2023 ग्रेजुएट्स आर एलिजिबल। आपका जो डिप्लोमा है उसके अंदर 60% एग्रीगेट होनी चाहिए और इन सारी फील्ड्स में आपने डिप्लोमा आप कर रहे होने चाहिए। स्टाइपेंड भी प्रोवाइड कर रहे हैं वो, ठीक है, एक तो आपको, और आपकी बीटेक डिग्री में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे कि मैंने, मेरे को ज़्यादा डिटेल्स नहीं पढ़ी मैंने इसके बारे में, बट थ्रू दिस एक्सक्लूसिव रिक्रूटमेंट इवेंट यू कैन अपग्रेड योर डिप्लोमा इन एनी फील्ड मेंशनड हियर टू अ बीटेक डिग्री इन इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। ये प्रोग्राम है यार इन लोग का, ऑनलाइन असेसमेंट होगा आपको, फिर बिजनेस डिस्कशन होगा, फिर ऑफर लेटर रोल आउट कर दिया जाएगा। तो इफ़ यू आर अ डिप्लोमा स्टूडेंट या आपके फ्रेंड डिप्लोमा में है तो मेक श्योर उनके साथ अभी शेयर करें। और आई होप आपको मज़ा आया होगा इस वीडियो के अंदर, सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करें और शेयर जितना ज़्यादा कर सकते अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, रीच बढ़ा दें चैनल की। मिलते हैं ऐसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।